यहाँ पे एक मीथ है स्टूडेंट का कि हर एक गवर्नमेंट कॉलेजेस में आप सभी स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट काफी अच्छी देखने को मिलेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी स्टार्टिंग के मैंने जो कॉलेजेस बताए उन्हीं कॉलेजेस में जो है काफी अच्छे प्लेसमेंट गए। सबसे पहला जो कॉलेज है दैट इज सीओईपी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। अब ये सभी स्टूडेंट्स का जो है ड्रीम कॉलेज होता है। अब हर एक सीटी एस्पिरेंट से किसी से भी पूछेंगे तो उसका ड्रीम कॉलेज क्या है, तो ऑब्वियसली जो है सभी स्टूडेंट्स का ये ड्रीम कॉलेज होता है वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। मुंबई का टॉप कॉलेज है, ये फर्स्ट रैंक पे आता है। तो यहाँ का जो कट ऑफ था वो भी 99.91 था एंड क्लोजिंग रैंक जो थी वो 89 थी। एंड जो कॉलेज का जो करिकुलम है वो कॉलेज खुद डिसाइड करता है। ऑटोनॉमस का मतलब यही है कि वहां पे जो भी एग्जाम पैटर्न वगैरह है, जो भी सिलेबस पैटर्न वगैरह है, वो खुद कॉलेज डिसाइड करता है, खुद कॉलेज के प्रोफेसर डिसाइड करते हैं। सो हाय एवरीवन, दिस इज समीर। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक न्यू सीरीज लॉन्च की है। इस सीरीज में आप सभी स्टूडेंट्स को पूरे महाराष्ट्र के सारे कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करने वाला हूं। लास्ट वाले वीडियो में हम लोग ने देखा था इसे कौन-कौन से पुणे के कॉलेजेस है जहां पे अगर आपके कम भी मार्क्स आए तो ऐसे कौन कौन से कॉलेजेस है जहाँ पे आपको सीएसआईटी में एडमिशन मिल सकता है। अराउंड ऐसे हम लोग ने टोटल 35 कॉलेजेस को कवर किया था। पुणे के ऐसे टोटल 35 कॉलेजेस को हम लोग ने देखा था। अगर आपका 50 से लेके 100 इस रेंज में आपके मार्क्स आ रहे हैं तो ऐसे कौन कौन से कॉलेजेस अवेलेबल है जहाँ पे आपको सीएसआईटी में एडमिशन मिल सकता है, वो वीडियो में हम लोग ने पूरे डिटेल में देखा था। अब इस वीडियो में हम लोग पूरे महाराष्ट्र के जितने सारे कॉलेजेस है, गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस है, सारे गवर्नमेंट के कॉलेजेस को हम लोग कवर करने वाले। देखो गवर्नमेंट के गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कॉलेजेस होते हैं, तो वो सारे कॉलेजेस कौन कौन से हैं, उनका कट ऑफ क्या है, उनकी क्लोजिंग रैंक क्या है, सब कुछ हम लोग डिटेल में इस वीडियो में देखने वाले। तो चलो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिसने भी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ऐसी बहुत सारी यूजफुल वीडियोस आने वाले, आपके कॉलेज सिलेक्शन के लिए, आपके काउंसलिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो कॉलेज है दैट इज सीओईपी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। अब ये सभी स्टूडेंट्स का जो है ड्रीम कॉलेज होता है। अब हर एक सीटी एस्पिरेंट से किसी से भी पूछेंगे तो उसका ड्रीम कॉलेज क्या है, तो ऑब्वियसली जो है उन सभी स्टूडेंट्स का ये ड्रीम कॉलेज होता है, उनको सीओईपी में सीएस चाहिए। तो यहाँ का जो कट ऑफ था वो 99.91 था एंड यहाँ की जो क्लोजिंग रैंक थी वो 97 थी। अब देखो ये जो टॉप कॉलेजेस है सीओईपी, वीजेटीआई, पीआईसीटी, एसपीआईटी, वालचंद, ये जो सारे टॉप कॉलेजेस है, ये सारे टॉप कॉलेजेस में अगर आपको सीएसआईटी में एडमिशन चाहिए तो विदिन 3 डिजिट रैंक आपको लेके आना है। और सीओईपी वीजेटीआई में चाहिए तो बिलो 200-300 आपका रैंक आना चाहिए, तब आपको जो है सीओईपी एंड या फिर वीजेटीआई कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल सकता है सीएसआईटी के लिए। अब यहाँ पे जितने सारे मैं आप सभी स्टूडेंट्स को कट ऑफ बताने वाला हूँ सारे के सारे सीएस के कट ऑफ है। अब यहाँ पे जो हाईएस्ट कट ऑफ है हर एक कॉलेज का वही कट ऑफ मैं यहाँ पे लिया हूँ ताकि जो बाकी के सारे ब्रांचेस के कट ऑफ है वो उसके कंपैरिजन में लो ही जाने वाले। एंड अगर आपको डिटेल में सारी ब्रांचेस के कट ऑफ देखना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उसके ऊपर भी मैं आपको एक वीडियो लेके आऊंगा कि आपको कैसे सारे कॉलेजेस के कट ऑफ को देखना है, उन सभी कॉलेजेस के कट ऑफ को आपको कैसे रेफर करना है कॉलेज लिस्ट बनाने के लिए, सब कुछ हम लोग डिटेल में देखेंगे। आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि आपको नेक्स्ट वीडियो जो है कौन से रीजन के कॉलेजेस के ऊपर चाहिए, तो मैं उस रीजन के कॉलेजेस को कवर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है हमारी पर्सनल काउंसलिंग लॉन्च की गई है ऑलरेडी और हमारे एडमिशन के सेशंस बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले। ऐसे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो पर्सनल काउंसलिंग के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, जिनके मुझे बहुत सारे कॉल आए जो स्टूडेंट्स आज रजिस्टर करना चाहते कल। देखो आप सभी स्टूडेंट जितना जल्दी हो सकता है आप रजिस्टर कर लीजिए, यहाँ पे हमारे काउंसलिंग के सेशन स्टार्ट होने वाले। देखो आप यहाँ पे पर्सनल काउंसलिंग में मैंने हर एक वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स को सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन की है कि आपको एक बेस्ट इंजीनियरिंग की कॉलेज की लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी, एक पर्सनलाइज एक वेल रिसर्च लिस्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी। महाराष्ट्र में अराउंड 350 कॉलेजेस है, सभी स्टूडेंट्स को सारे कॉलेजेस के बारे में नहीं पता होता है। अभी जो जो कॉलेजेस आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग जो जो कॉलेजेस अवेलेबल है, जो बेस्ट कॉलेजेस हो सकते हैं, वो सारे कॉलेजेस आपको एक बेस्ट पर्सनलाइज कॉलेज की लिस्ट में आपको प्रोवाइड की जाएगी एंड वही लिस्ट जो आपको ऑप्शन फॉर्म फिलिंग में अपलोड करना होता है। एंड वहीं से जो आपको कैपराउंड 1 में कॉलेज अलॉट होता है, आपको बेटरमेंट के लिए जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, फ्रीज करना चाहिए, ऐसी सारी चीजें जो है पूरी पर्सनल काउंसलिंग में आती है। और ये जो पर्सनल काउंसलिंग है ये सिर्फ 1-2 दिन का ही नहीं है, पूरे एंटायर 2 मंथ का होने वाला है, एंटायर 2 मंथ चलने वाला है। जून जुलाई तक आपका ये काउंसलिंग प्रोसेस चलने वाला है, उसके बाद अगस्त में आपके जो है कॉलेजेस स्टार्ट होने वाले। देखो ये पूरा एंटायर 2 मंथ का प्रोसेस है, जितना जल्दी हो सकता है आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ही बेनिफिट होने वाला है, जितना जल्दी आप ज्वाइन करोगे उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आप ग्रैप कर सकते हो, उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आप सभी स्टूडेंट्स के पास होगी। जब आपका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा आप सभी स्टूडेंट्स को सारी अवेयरनेस होगी कि ये सारी चीजें क्या है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी स्टूडेंट्स को लिंक दी गई है, आप राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां से आप रजिस्टर कर सकते हो। जो नेक्स्ट हमारा कॉलेज है दैट इज वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। मुंबई का टॉप कॉलेज है ये, फर्स्ट रैंक पे आता है।
तो यहाँ का जो कट ऑफ था वो भी 99.91 था एंड क्लोजिंग रैंक जो थी वो 89 थी। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, अगर ये सब कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो 2-3 digit रैंक लेके आना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो स्टेटस है दैट इज गवर्नमेंट एडेड ऑटोनॉमस। अब ये गवर्नमेंट एडेड ऑटोनॉमस क्या होता है मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। अब ये गवर्नमेंट एडेड ऑटोनॉमस ये होता है कि यहाँ पे जो भी फंड्स होते हैं इन लोग खुद इंस्टीट्यूट जो है खुद हैंडल करता है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है बाकी के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है वो गवर्नमेंट हैंडल करती है, वहाँ की जो भी गवर्नमेंट है वो हैंडल करती है, लेकिन यहाँ पे जो गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस है यहाँ का जो भी फंड होता है यहाँ पे जो भी मैनेजमेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ जो है कॉलेजेस वाले ही यहाँ पे हैंडल करते हैं। अभी ऑटोनॉमस का मतलब ये होता है कि यहाँ का जो स्टडी करिकुलम होता है यहाँ पे जो आपका एकेडमिक सर्कुलर जो डिसाइड होता है वो आपके कॉलेज वाले डिसाइड करते हैं। तो ऑटोनॉमस कॉलेजेस में जो है कॉलेज खुद डिसाइड करता है कि उनके कॉलेजेस में क्या स्टडी करिकुलम होना चाहिए, उनका एकेडमिक सर्कुलर क्या होना चाहिए वो कॉलेजेस वाले खुद डिसाइड करते हैं। तो नेक्स्ट जो कॉलेज है हमारा दैट इज वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, सांगली में ये कॉलेज है, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। यहाँ पे भी काफी अच्छे प्लेसमेंट रहे, अराउंड 30 lakhs का भी पैकेज मिला है CSIT वालों के लिए। आप इस पे वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हो। कट ऑफ जो है 99.29% क्लोजिंग रैंक जो थी वो 934 है। अब ये गवर्नमेंट एडेड ऑटोनॉमस है, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया गवर्नमेंट एडेड ऑटोनॉमस क्या होता है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलेज है सरदार पटेल ऑफ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। अब यहाँ पे वो सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वो कॉलेज नहीं है, ये सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है। यहाँ पे सिर्फ कोर ब्रांचेस है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल इंजीनियरिंग, ये सारे कोर ब्रांचेस है। अब यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिकल का मैंने कट ऑफ लिखा है 97.91। आप सोच रहे होंगे ये तो टॉप कॉलेजेस है, ये 99 above percentile होना चाहिए, इसका तो 97 है। ये 97 इलेक्ट्रिकल का कट ऑफ गया है, कोर ब्रांचेस के भी कट ऑफ देखो 97 तक जा रहे हैं टॉप कॉलेजेस में। ये सारे कोर ब्रांचेस के कट ऑफ है। 97 जो कट ऑफ है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कट ऑफ है एंड इसका क्लोजिंग रैंक जो था 4489 है। गवर्नमेंट एडेड ऑटोनॉमस है ये भी। देन उसके बाद जो नेक्स्ट गवर्नमेंट कॉलेज आता है दैट इज गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर, ये गवर्नमेंट ऑटोनॉमस कॉलेज है। ठीक है, यहाँ पे जो क्लोजिंग रैंक थी वो 5297 था एंड कट ऑफ जो था 96.70 था। नेक्स्ट हमारा जो कॉलेज है 6 number पे दैट इज गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कराट। यहाँ पे कंप्यूटर ब्रांच नहीं है, यहाँ पे आईटी ब्रांच है। आईटी का ये कट ऑफ दिया गया 96.62% एंड क्लोजिंग रैंक जो थी 6101 है एंड ये गवर्नमेंट ऑटोनॉमस कॉलेज है। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ कराट ये भी वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है महाराष्ट्र का, यहाँ पे भी काफी अच्छी प्लेसमेंट जाती है, आईटी के लिए काफी अच्छी प्लेसमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट जो कॉलेज है हमारा दैट इज गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती, इसका कट ऑफ जो है 96.44% है, क्लोजिंग रैंक जो है 6412 है, स्टेटस जो है गवर्नमेंट ऑटोनॉमस कॉलेज है। यहाँ पे जितना भी सारा मैनेजमेंट होता है वो गवर्नमेंट की तरफ से होता है एंड जो कॉलेज का जो करिकुलम है वो कॉलेज खुद डिसाइड करता है। ऑटोनॉमस का मतलब यही है कि वहाँ पे जो भी एग्जाम पैटर्न वगैरह है, जो भी सिलेबस पैटर्न वगैरह है वो खुद कॉलेज डिसाइड करता है, खुद कॉलेज के प्रोफेसर डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट जो कॉलेज है हमारा 8 number पे श्री गुरु गोविंद सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नांदेड़ का ये कॉलेज है। इनका कट ऑफ जो है 95.951% है एंड क्लोजिंग रैंक जो था वो 8174 था। गवर्नमेंट एडेड ऑटोनॉमस कॉलेज है ये भी। देन उसके बाद जो 9 number पे हमारा कॉलेज आता है दैट इज गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग औरंगाबाद, कट ऑफ जो है 95.51%, क्लोजिंग रैंक 8174, ऑटोनॉमस गवर्नमेंट ऑटोनॉमस कॉलेज है ये भी। देन उसके बाद जो हमारा 10 number पे जो कॉलेज आता है दैट इज गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अवसारी, इसका कट ऑफ 94.44% है, क्लोजिंग रैंक जो है 10228 गया। ठीक है, एंड ये भी जो है गवर्नमेंट ऑटोनॉमस कॉलेज है। यहाँ पे एक मीथ है स्टूडेंट का कि हर एक गवर्नमेंट कॉलेजेस में आप सभी स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी स्टार्टिंग के मैंने जो कॉलेजेस बताए उन्हीं कॉलेजेस में जो है काफ़ी अच्छे प्लेसमेंट गए। अब ये बाकी के जितने सारे कॉलेजेस मैंने बताए इन सभी कॉलेजेस में एवरेज पैकेज जो है डिसेंट पैकेज है, इतना अच्छा भी नहीं है इतना बुरा भी नहीं है। डिसेंट पैकेज जिसको हम कहते हैं वो पैकेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, अराउंड 3-4 lakhs का पैकेज एवरेज पैकेज जो है, जो कि एक डिसेंट पैकेज माना जाता है हर एक कॉलेज के लिए, इन सभी कॉलेजेस में आपको देखने को मिलेगा। देन उसके बाद जो है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जलगांव, ये इसका कट ऑफ जो था 92.34% था, क्लोजिंग रैंक जो थी 14127 है, गवर्नमेंट ऑटोनॉमस कॉलेज है ये भी। देन उसके बाद जो 12 number पे हमारा कॉलेज आता है दैट इज गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग यावतमाल, इसका कट ऑफ जो है वो 86.55% गया, क्लोजिंग रैंक जो थी वो 24879 है, ये भी जो है गवर्नमेंट ऑटोनॉमस कॉलेज है। अभी देखो ये सारे कॉलेजेस की अगर आपको फीस देखनी है, फीस पता करनी है, तो सिंपली आप जो है इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है अभी आप डायरेक्टली सर्च कर लो GCOE दैट इज गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग यावतमाल, आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट आएगी इनकी, खुद की कॉलेज की एक ऑफिशियल वेबसाइट होगी, वहां
पे आपको एकेडमिक्स फीस, देन प्लेसमेंट, ये सब चीजें जो है आपको वहाँ पे ऑप्शन में देखने को मिलेंगे, हेडर में आपको देखने को मिलेंगे, वहां से आप जो है फीस स्ट्रक्चर देख सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद जो लास्ट हमारा कॉलेज है, जो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चंद्रपुर है, इसका कट ऑफ 86.05 परसेंटाइल है, क्लोजिंग रैंक जो है 25,000 है, एंड ये भी जो है गवर्नमेंट ऑटोनॉमस कॉलेज है। आई होप आज का वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स को यूजफुल लगा होगा। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो कि आपको कौन से रीजन पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, ताकि मैं जल्द से जल्द उस रीजन के सारे कॉलेजेस को कवर कर सकूँ। एंड काउंसलिंग के सेशंस हमारे बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले, जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन कर सकता है। रिजल्ट के बाद आप सभी स्टूडेंट्स को कॉलेज की लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी, रिजल्ट तक आप सभी स्टूडेंट्स को पूरा काउंसलिंग की सारी अवेयरनेस होगी कि काउंसलिंग प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स को आपको फॉलो करने होते हैं, ऐसे कौन कौन से मिस्टेक्स को जो अवॉइड करना होता है, ये सारी चीज़ें आपको रिजल्ट तक पता चल जाएगी, पूरी काउंसलिंग की अवेयरनेस हो जाएगी। तो जितना जल्दी हो सकता है आप ज्वाइन कर लीजिए। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए अर्ली ऑफर भी है, फर्स्ट बैच जो हमारा फुल होने वाला है, तो आप जितना जल्दी हो सकता है रजिस्टर कर लीजिए। एंड आप जब रजिस्टर करते हो तो उसके उसी दिन जो है आपको रात में 2-3 बजे तक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, एंड वहां पे सारी चीजें आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।